स्क्वाश का मैच था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल एशियन गेम्स, और एंड पे जाके भाई इंडिया ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है अपनी स्पोर्ट्स के अंदर, वो आप लोगों को नजर आ रही है, आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में नजर आई, आपको ओलंपिक्स में नजर आई, यहाँ नजर आई। 36 ओवरऑल मेडल है, 10वां इंडिया का गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता था, 46 साल के बुड्ढे से साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में मैच हारा है। इन लोगों में कई दफा ये रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फेडरेशन इज आज माय पाकिस्तान एयरफोर्स, नोबडी कैन डेयर टू चैलेंज देम, दिस इज द प्रॉब्लम। मिस कर दिए, मैं कहां से गोल्ड मेडल हार गए, बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग मैच, योर ओपिनियन, मजा आया देखने का। सिर्फ एक पॉइंट की दूरी पे था, 10 और 8 से लीड कर रहा था, आखिरी वाला सेट जो कि मैच को डिसाइड करना था, जिसने उसमें की बात करें तो 10वां गोल्ड मेडल इंडिया का और 36 ओवरऑल मेडल्स इंडिया हंगजू गेम के अंदर अभी तक उठा चुका है। और इससे पहले जो अर्लियर गेम्स थे उसमें वुमन ने भी यहां ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था इन्हीं मुकाबलों के अंदर, तो मेंस के अंदर आया गोल्ड, वुमन्स के अंदर आया ब्रॉन्ज, 36 मेडल ऑलरेडी टोटल टैली पे इंडिया हो चुके हैं। अभी इंडिया ने ये गोल्ड जीत लिया, पाकिस्तान के लिए सिल्वर। तो मोहसिन भाई बहुत ही बेहतरीन मैच, एंड हैट्स ऑफ टू द गाय अभय सिंह। हम 10-8 पे थे, हम तो 10-8 से लीड कर रहे थे, जब खुद इन्वॉल्व होता है स्पोर्ट्स की अपलिफ्टिंग के अंदर, तो जाहिर सी बात है फिर आपको क्यों नहीं उसके रिजल्ट्स आते हैं। और एशियन लेवल के ऊपर अगर इंडिया आज 36 मेडल जीत रहा है, तो विद ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें कि इंडिया प्रोग्रेस करता है। पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता था, 46 साल के बुड्ढे से साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में मैच हारा है। इन लोगों में कई दफा ये रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान फेडरेशन इज आज माय पाकिस्तान एयरफोर्स, नोबडी कैन डेयर टू चैलेंज देम, दिस इज द प्रॉब्लम। चार प्लेयर आपने कभी नहीं सुने होंगे स्क्वाश की हिस्ट्री में, कोई माइकल लाल चार प्लेयर नहीं भेजता, इन्होंने भेजा एक प्लेयर, वो कोच है, प्लेयर है, क्या है, नोबडी नोज। लड़कियों में भेज दिया, मियां बीवी आपकी हिस्ट्री क्रिएट हुई है, मियां बीवी भेज दिए, तो बेगम साहबा पहले ही मैच हार गई थी, उसके बाद पता नहीं कौन खेलता रहा। टिकट अगर आप अमेरिका और इंग्लैंड से दे के टॉप प्लेयर्स नहीं बुला सकते पाकिस्तान के लिए, तो आप इनको टिकट कैसे दे सकते हैं? हाँ, तो भाईजान आपको बोला दिया है, हमारे इंडियन दोस्त स्क्वाश पे किसी का बाप मोहसिन अली के साथ चैलेंज नहीं कर सकता, बैट नहीं कर सकता, ये क्रिकेट नहीं है। स्कोर कार्ड देखा, शुरू हो गए, ये स्क्वाश है। एक एक पॉइंट के साथ इनके साथ चलता रहा, इन्हें बताता रहा कि नूर जमान जो मर 10-8 यार, 10-8 एक पॉइंट। भाई जान देखे, इट इज नॉट नूर जमान्स फॉल्ट, प्रॉब्लम इज दिस। अभी देखे आपको शुगल सुनाता हूं, इंडिविजुअल इवेंट भी है गोल्ड का ना एशियन गेम्स के, उसमें नासिर के साथ आसिम है जो पूरे टूर्नामेंट में एक मैच जीता है, नूर जमान नहीं है, आसिम है। नूर अच्छा खेला, वो पाकिस्तान नंबर वन जो इनकी बजाता है ना ट्विटरों पे आगे पीछे, क्योंकि इनके सारे को ये भर्ती करते हैं, तनख्वाहें देते हैं स्क्वाश के नाम पे, तो इनमें जुड़त ही नहीं किसी की कि इनको चैलेंज कर सके, सिवाय मेरे बड़े बड़े लेटर भेजे, बड़े बड़े इन्होंने ड्रामेबाजियां की, मेरी गर्दन काटो उधर टांग दो, वो भी बोलती रहेगी कि जहां मैं गलत है मैं नहीं पास आऊंगा, जो मर्जी कर ले। स्क्वाश पे ग्राउंड करेंगे, नूर जमान प्लेड वेरी वेल। ओ भाई जान देखे, व्हाट इज प्रेशर, टेल मी, हु नोस किड्स, जनाब गए चांद पे मिशन, गए कितने नाकाम, चंद्रयान 3 से पहले रशिया का हुआ ना नाकाम, हुआ ना, कितने लोगों ने बात की कि यार वेरी क्लोज येट फार, क्या बात कर रहे हैं यार, प्लेड व्हाट इज प्रेशर, मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रेशर क्या है। लाइन के ऊपर ये खड़ी है लाइन, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की 2019, न्यूजीलैंड प्लेड वेरी वेल, जीता कौन हैट्स ऑफ टू अबे, आप अबे की गेम की तारीफ नहीं कर रहे, 10-8 में हार रहे अगला और 12-10 से जीत रहे, आप क्या बात कर रहे हैं कि वो अच्छा खेला, भाई जान अच्छा खेला अबे, अबे ने अपने कंट्रोल रखे नर्व्स, नीचे जाके ऊपर आना बड़ा मुश्किल होता है, लगातार जीत, लगातार चौथी पांचवी गेम जीत के अगले ने फाइनल जीता, इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया, इससे बड़ी जीत इंडिया सोच भी नहीं सकता, वंस अ सुपर पावर इन स्क्वाश, नाउ दे आर लाइंग इन द बॉटम इन द होल, कौन जिम्मेदार है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन ही बोलेगा। बहरहाल जी बहुत अच्छा खेले, दोनों ही बहुत अच्छा खेले, आप हमेशा कह सकते हैं कि जी वो एक पीआर एक्टिविटी है, लेकिन आप इससे बरक्स उठ के देखें, जब प्राइम मिनिस्टर जब खुद इन्वॉल्व होता है स्पोर्ट्स की अपलिफ्टिंग के अंदर, तो जाहिर सी बात है फिर आपको क्यों नहीं उसके रिजल्ट्स आते हैं। और एशियन लेवल के ऊपर अगर इंडिया आज 36 मेडल जीत रहा है, तो विद ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें कि इंडिया प्रोग्रेस करता जा रहा है हर मुकाबलों में, हमने कॉमनवेल्थ गेम को कवर किया, ओलंपिक्स में देखा, और ऐसी अननोन टेरिटरीज के अंदर, पहले तो स्पेसिफिक टेरिटरीज और एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन होते थे ना कि उसी के अंदर मेडल आ रहे होते थे, अब उन अननोन गेम्स के अंदर जैसे ओलंपिक में लास्ट टाइम याद करें लॉन बॉल पर खवातीन की जो पूरी टीम थी वो जीती थी, सो इट्स
एन अमेजिंग टाइम एज फार एज स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड इन इंडिया, क्योंकि स्पोर्ट्स जब आपको क्रिकेट से बाहर ये स्पोर्ट्स में विक्ट्रीज मिलती है ना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी 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 अपलिफ्टिंग फॉर द एंटायर सोसाइटी, फॉर द एंटायर नेशन. लेकिन इसमें आते हैं इंडियन मेंस ने जिस तरह ये आज गोल्ड मेडल अपने नाम के क्लोज फिनिश के साथ और स्पेशली 2-1 के मुकाबले के बाद बेस्ट ऑफ थ्री आप लोग को एक बार सभी को बताओगे excited to win the gold. Hopefully यार जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है अपनी स्पोर्ट्स के अंदर वो आप लोगों को नजर आ रही है, आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में नजर आई, आपको ओलंपिक्स में नजर आई, यहाँ नजर आई. 36 ओवरऑल मेडल है, 10वां इंडिया का गोल्ड मेडल है आज, तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, जब स्पोर्ट्स में इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर लेवल. देखें जब इंटरेस्ट आपका प्राइम मिनिस्टर लेवल से डेवलप हो जाए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखें नरेंद्र मोदी के, वो उनका एक पर्सनल इंटरेस्ट है अपने स्पोर्ट्स को लेकर. ऐसा कोई छोटे से छोटा विक्ट्री या छोटे से छोटा मेडल या बड़े से बड़े मेडल कोई भी आता है, इज द फर्स्ट वन टू कम अप ऑन द सोशल मीडिया एंड कांग्रेचुलेट द मीडिया एज वेल. क्योंकि जैसी बात है जब आप लास्ट गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज जीते हो, उसके सब्सिक्वेंट गेम्स के अंदर अगर आप आके गोल्ड मेडल में कन्वर्ट करते हो, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अपलिफ्टिंग योर स्पिरिट फॉर द नेक्स्ट गेम्स टू कम. अगर आप इस मेडल की बात करें तो 10वां गोल्ड मेडल है इंडिया का और 36 ओवरऑल मेडल्स इंडिया हंगजू गेम के अंदर अभी तक उठा चुका है. और इससे पहले जो अर्लियर गेम्स थे उसमें वुमन ने भी यहां ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था इन्हीं मुकाबलों के अंदर. तो मेंस के अंदर आया गोल्ड, वुमन्स के अंदर आया ब्रॉन्ज, 36 मेडल ऑलरेडी टोटल टैली पे इंडिया हो चुके हैं. अभी तो हॉकी का मुकाबला भी शुरू होना है. एक चांस था और कौन सा चांस है हमारा, एक आदमी ये आरिफ हसन जो है ये पूरी बारात लेके गया किसी माँ के लाल में, जरूरत है इसको बुला के पूछे कि ये क्या है, कौन है यार, छोड़े मेरा दिमाग इस वक्त बहुत सख्त खराब है, ये ना मैं अंदर हो जाऊं रात तक, तो इसलिए चुप ही रहूं. कोई गोल्ड मेडल नहीं आता पाकिस्तान का, ये गोल्ड मेडल पक्का था. लेकिन मैंने जो जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे है, व्हाट्सएप पे है, ट्विटर पे है, उनके इनबॉक्स चेक कर ले, मैंने उन्हें क्या बोला था मैच से पहले, फाइनल से पहले, बाद में नहीं, फाइनल से पहले ऋषि अरोड़ा से पूछे कहता हार रहे हैं. मैं क्या बताया, हम 10-8 पे थे, हम तो 10-8 से लीड कर रहे थे, 10 हम लीड कर रहे थे और हमने कहां से 3 बूस्टर करवा दिए, 3 मिस कर दिए, फिट मैन कहां से गोल्ड मेडल हम हार गए. बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग मैच, योर ओपिनियन, मजा आया देखें. देखें जी आप जाहिर है कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच, चाहे हॉकी में हो, क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, स्क्वाश में हो, कहीं पे भी आपना सामना हो, एक माहौल तो बनता है. और वहां पे भी जाहिर है कि लोकल भी काफी तादाद में थे, तो बड़ा बेहतरीन माहौल था वहां पे, जो लाइव इमेजेस भी दिखा रहे थे, इट वॉज अमेजिंग. तो 3 प्लेयर आपने सामने आए हैं, पहला वाला हमारा 1-0 जीत गया, दूसरा वाला आपका, लेकिन ये जो तीसरा वाला मैच है ऐसा रोमांचक मैच हुआ है कि बस क्या ही कहना. यार आप खुश हैं क्योंकि जाहिर है अभय सिंह जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट की दूरी पे, एक पॉइंट की दूरी पे नूर जमान जीत जाते तो जाहिर है कि पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो तो खुश हो जाते. लेकिन जो बात यह है कि मुकाबला अच्छा हुआ, दोनों इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में टकराए, एशियन गेम्स हो रही है ना, ये कोई बायलैटरल तो कोई हिसाब किताब चल नहीं रहा, एशियन गेम्स के फाइनल में टकराए.